क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों दिख रहा है तू? तंग हो चुका हूँ यार मैं घर वालों से। क्यों, क्या हुआ ले? तुझे दिख नहीं रहा है क्या? जब देखो यार शादी शादी। अरे नहीं करना है यार मुझे अभी शादी। तुझे पता है शादी करने के बाद कितना लोगों का प्यार मिलता है? तात ततू रिश्तेदार तब लोग तुझे प्यार करता है। पैताली बेबी का भाड़ में जाए सबका प्यार। अरे मेरा पूरा फ्यूचर खराब होने वाला और तेरे को हंसी आ रहा है? मैं भी तो वही चाहता हूँ, तेरा पूरा फ्यूचर खराब होता है और तो डिप्रेशन में आके सुसाइड कर ले। इधर मम्मी ने भी दादाजी को कॉल करके कोलकाता से गोवा में आने के लिए बोला। दादाजी क्यों आ रहा है? मुझे मनाने के लिए, ताकि मैं शादी कर लूँ। अभी तो तेरा प्यार बजने वाला है बेटा, तैयार होता। एक घंटा पहले कॉल किया था, एयरपोर्ट में पहुँच गया बोल के। श्रीनाथ भाई लाने के लिए गया, अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाला होगा। अभी तो बहुत मजा आने वाला है। अबे तेरा तो मजा होने वाला है, लेकिन मेरा तो सजा होने वाला है ना। तू ना उतना टेंशन मत ले, तब मैं मेहनत कर लेगा। अबे तेरे को पता नहीं है कि कितना हरामी है साला बुड्ढा। किरे मेरे को हरामी बोलछिस? हाँ। अरे नहीं नहीं दादाजी, आपको कैसे बोल सकते, आप तो हमारे दादाजी। आपको क्या बात कर रहे हैं दादाजी? पाए लगू दादाजी, पाए लगू दादा। अनेक बड़ो हो, अनेक बड़ो हो। तुम दोनों का जल्दी से ना क्रिकेट टीम हो जाए। तो हंस क्यों रहा है बे? अभी तक तो हमारा तादी ने वो क्रिकेट टीम कहाँ से बनेगा? अरे तो चुप कर, इसीलिए तो मैं आया ना। मोर भाई जो कुछ भी बोलेगा तो सोच समझ के बोलो, ये तो आते आते बहुत कुछ बोल रहा था। अभी बोल शादी क्या नो कर भी ना। सबसे पहले तो मुझे अपना गोल अचीव करना है। और क्या, बाद में शादी करना है वो भी मेरा पसंद से। अरे तो मैंने सुना कला अंगूर बीज है ना कि अनेक अनेक लड़की इतनी कोड़े नहाता है, तो उसमें से एक पसंद तो कोड़े ने ना। दादाजी आप बुढ़ा हो गए, अभी तक जवानी नहीं गया ना। अरे अभी तो मैं जवान हूँ। अरे दादाजी उम्र का तो लिहाज करो। चार चार ये सब बातें चार। गांव में लड़की का कमी है क्या? हाँ मैं मानता हूँ गांव में लड़की का कमी नहीं है, लेकिन मेरे को बार क्लब में जाने वाला लड़की नहीं चाहिए। ठीक है भाई, मुझे कोई लेट होता है मैं आता हूँ। ठीक है घर पहुँच के कॉल करो। ठीक है दादाजी, फिर मिलेंगे। ठीक है, भगवान जनत हो गए जल्दी से बच्चे का बाप बना गए। तो अभी बोल, मुझे यार संस्कारी लड़की चाहिए और मेरा मम्मी पापा का ख्याल रखना चाहिए और मेरा सुख दुख में हमेशा वो मेरा साथ दे, ऐसा लड़की मुझे चाहिए। ऐसा लड़की गोवा में मिलना बहुत ही मुश्किल है। ताहले तू यार काश कर घर से बाहर निकल। क्यों? थोड़ी देर पहले जमुन लड़की की कथा बोल ली, ठीक वैसा लड़की मिलने के बाद ही घर पर प्यार रख भी। आप मेरा घर से मुझे ही बाहर निकलने के लिए बोल रहे हो? ये घर तो मेरा दामाद का है, तेरा नहीं। निकल तू यहाँ से। और हाँ संस्कारी लड़की नहीं, नहीं तो पैर तोड़ के रखे देवो। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तू एक काज कर देख। घर से बाहर तो मैं आ गया, लेकिन अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, एक अच्छा सा लड़की देख के मैं शादी कर लूँ या फिर इन लोगों से बचने के लिए सुसाइड कर लूँ। क्या कुमार को एक संस्कारी लड़की मिलेगा या फिर कुमार सुसाइड करने के लिए मजबूर होगा? और क्या है वो काम है जो दादाजी ने राकेश को करने के लिए बोला? सभी का आंसर मिलेगा चैप्टर 2 में। तो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।